जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और फिर से आपके चैनल कम्पिटेटिव प्राइवेट क्लासेस पे। तो आप लोग का बिहार दरोगा की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जो यदि न्यू स्टूडेंट हो वो भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला सेशन चल रहा है जो कि बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। खासकर बात किया जाए बिहार दरोगा का, यह स्पेशल बैच है, तो बिहार दरोगा में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज क्लास थ्री की बारी है, क्लास दो अपलोड हो चुका है, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो आज क्लास थ्री में आप लोग पढ़ोगे पॉलिटी के संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक बार एग्जाम में दो से तीन क्वेश्चन मिला ही मिला है। तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने हुए रहना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चल सके। और आप जीरो से भी अभी से भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, क्योंकि टारगेट बिहार दरोगा 2023 का रखा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना का आज पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को दो बात बता दिया जाए। पहला तो ये कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हो कि कौन से पॉइंट को आपको पकड़ होना चाहिए, वहीं आपको कौन सा क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है वो सारी चीज़ भी बताया जाएगा, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी बताई जाएगी। तो वीडियो की लास्ट तक ज़रूर बने हुए रहना। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मतलब प्रस्तावना एक ऐसा भाग है जिसे वो भारतीय संविधान की उसकी आत्मा कहा गया है, आत्मा की व्याख्या प्रदान भी बोल सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर टू, धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है राष्ट्र सभी धर्मों को मान्यता देता है लेकिन उनका अपना कोई धर्म नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना से, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है और ये वाला क्वेश्चन तो टकरा ही जाता है। तो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो संविधान की उद्देशिका यदि आप एक भारतीय हो तो आपको भारत का संविधान में जो उद्देशिका लिखा गया उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया कि भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो लोक कल्याण का जिक्र नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर फाइव, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, जैसा कि आप सभी सुनते हो कल्याणकारी राज्य मतलब कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, गणराज्य की बात किया जा रहा है, गणराज्य मतलब कि राज्य राज्याध्यक्ष का चुनाव होगा, ये नहीं कि वंशागत होगा, पहले बाप फिर बेटा फिर पोता ऐसे करके नहीं होगा, इसका चुनाव होगा, इसमें हर एक इंसान को बनने की भागीदारी मतलब कि इसका फैसला जनता करेगा, जो कि गणराज्य का मतलब है कि वंशाधिकारी ना हो। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है, तो प्रस्तावना आप लोगों ने जब पढ़ा ही होगा तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर एट में है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में है कि भारत के संविधान के प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है, तो ये तो अभी तक सबको पता होगा कि इंडिया अर्थात भारत। क्वेश्चन नंबर टेन, किस वर्ष भारत का एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर 1950 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में एक संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संबोध में संशोधन कितनी बार किया गया, संशोधन के जिक्र चल रहा है तो मात्र एक बार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग हाईलाइटेड में डाल लेना।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए, 12 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था जो कि एक बार हुआ था, वो कब हुआ था? तो 1976। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप लोग दोनों याद कर लेना, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब दिया गया था? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। और ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जैसा कि जनता ने, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया काम जो कि आप लोगों को अब्राहम लिंकन ने बताया था, उससे आप लोगों का पता चलता है प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों का मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो प्रजातंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान की प्रस्तावना के में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित किया जाता है। गणतंत्र, फिर से गणतंत्र शब्द आया, मतलब कि आपको कि देश में का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व होगा, उसका चुनाव होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 1973 का केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। जैसा कि केशवानंद हो गया, केशवानंद वाला केस आप लोगों को पता ही होगा, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से जिक्र भी किया है क्लास में, तो यदि आप लोगों ने संविधान की प्रस्तावना वाला क्लास नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगा जो कि मौलिक अधिकारों के बारे में था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर लोकतंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वो लोकतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा था? ये क्वेश्चन आप लोगों इंपॉर्टेंट में डाल लेना। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्नेस्ट वार्कर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया, किस देश से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, किसने कहा है? तो K.M. मुंशी ने कहा था। तो यहाँ पे आपको ये तीनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, संविधान की कुंजी नोट अर्नेस्ट वार्कर ने, संविधान की प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से, वहीं प्रस्तावना को किसने हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो K.M. मुंशी ने। तो ये क्वेश्चन तीनों हाईलाइटेड में डाल लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? जैसा 13 दिसंबर वाला भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसे भी इंपॉर्टेंट में आप लोग डाल सकते हो क्योंकि बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का कोई प्रस्ताव नहीं झलकता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, 26 में कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखना कथन सही नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको काफी देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ना होगा ध्यान से कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के भाग में अंग नहीं था, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया था, तो ये तो सही हो जाएगा। उद्देशिका में भारतीय संविधान का उद्देश्य का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, ये परिवर्तनीय नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते कि गणराज्य का संबंध जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरण का स्रोत होता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, बेरुवारी बाद में क्या कहा गया, कहां कहा गया, बेरुवारी बाद में क्या कहा गया। तो आज जैसा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला सेशन चल रहा है, जो कि बिहार दरोगा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आज के टॉपिक का नाम था पॉलिटिक्स, जो कि संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा हुआ मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछे जा रहे हैं, और ये आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर मिले। तो थैंक यू।